हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रेसली आर्ट। आज मैं बात करूंगा AEW की मैच के बारे में, जिसमें ब्लड एंड गट्स, जिसमें AEW वेस ऑल लीड सामने थी, जिसमें AEW में AEW वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन जैक पेरी, डार्बी एलन और दो तीन रेसलर और थे, जिनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं WWE ज़्यादा देखता हूँ, AEW कम देखता हूँ। क्योंकि आज उनका मैच सर्वाइवल सीरीज की मैच की तरह था, इसलिए मुझे मैच अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको देखा। तो उसमें AEW वर्ल्ड हैवी चैंपियन जब आते हैं तो उसको अटैक कर देता हैंगमैन बांध के, उसको हटकड़ी को बांध के उसको खड़ा कर देता है। पर उसके बाद वो उसकी मदद लेता है अपने दो तीन रेसलर की। उसके बाद जब वो अंदर रसल करने आता है, उसके बाद वो सबकी जम के धुनाई करता है। और फिर डार्बी एलन अपनी फायर मशीन को लेकर यंग बक्स के सामने जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं इसको आई कुड बुलवाऊँगा जंगल बॉय से। जंगल बॉय को वो बांध देते हैं स्टील केज से और बहुत प्यारी अच्छी से कुर्सी सिर पर मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो बोलते हैं अगर ये आई कोड नहीं बोलता है तो मैं इसको फायर कर दूंगा, इसके बाल आल सब जला दूंगा और ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इसलिए यंग बक्स कहते हैं नहीं करो, ऐसा नहीं करो। उसके बाद ये लोग आई कोड बोल देते हैं और AEW चैंपियन जीत जाता है और फेस टीम जीत चुकी है। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और बाय बाय। कोई गलती हो बताएँ।